नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई जो लोग इनडायरेक्टली देशों में जाते हैं ना, यूरोप कंट्रियों में, खास तौर से आप किसी एजेंटों के साथ संपर्क में आते हैं, वो आपको तसल्ली देते हैं झूठी कि हम आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रशिया, किसी भी देश एक्सपेजेड हम आपको थर्ड पार्टी, थर्ड कंट्री के द्वारा भेज देंगे। जी हाँ, उनके लिए खास तौर से इंपॉर्टेंट बात है, आप भी कुछ अगर जान लेंगे, और अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आजकल एक अच्छा ट्रेंड चला हुआ है, इंडिया से आप दुबई जाओ, दुबई से हम आपको उन देशों में भेज देंगे, क्योंकि ऐसे केस मेरे पास आ रहे हैं इसलिए मुझे पता है। जी वीडियो पूरा देखिए भाई, पूरी जानकारी से हम बताएंगे किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, इन लोगों के, दो लोगों के साथ में क्या हुआ, पूरी डिटेल से जानिए। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, मामला है पंजाब का। जी हाँ, आपको पता है पंजाब तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, जो यूरोप जाना चाहता है या गल्फ देशों को छोड़ के किसी भी देश में जाना चाहता है, वो कहीं ना कहीं पंजाब में एजेंटों से जरूर टकराता है। जी हाँ, मनप्रीत सिंह और विक्रमजीत सिंह ये पंजाब के लोकल लोग हैं भाई, उनको ही कोई लोग नहीं भेज सकते। आप यूपी, बिहार, राजस्थानी, पता नहीं कहाँ कहाँ के लोग आप पंजाब में पहुंच जाते हैं। मनप्रीत सिंह, विक्रमजीत सिंह, जी हाँ, दो परिवार में भाई थे, उनको जाना था पुर्तगाल, वहाँ पे उनको जाना था, इनकी दो एजेंटों से संपर्क हो गए, एजेंट भी दोनों भाई थे, गुरमुख सिंह और परमुख सिंह। जी हाँ, अब दो, ये भी दो भाई रहे, ये भी दो भाई, उनसे बातचीत, तो आपस में बातचीत करी, बोले यूँ ही तुसी टेंशन ना लो जी, हम आपको यूँ भेज देंगे पुर्तगाल, हमारे तो बाएँ हाथ का खेल है। ये बात हो गई, उनकी पूरा प्रोसेस की बातें हो गई, 10-10 लाख रुपए में दोनों की डील हो गई। पंजाबी लोग तो 10 लाख रुपए तो थोड़ा कम समझते हैं यार, 10 लाख रुपए ले रहे हैं और ठीक है जी, एजेंट अच्छा दे देते हैं, समझ रहे हैं आप। बिहार, यूपी, राजस्थान वाले तो आपको 10,000, 20,000, 30,000 ऐसे में पहुंच जाते हैं, कनाडा, सिंगापुर, है ना, इन लोगों की 10-10 लाख रुपए में डील हो गई। जी हाँ, उन्होंने वादा कर लिया कि भाई हम आपका वीज़ा भी देंगे, टिकट देंगे, ऑफर लेटर देंगे और आपको पुर्तगाल में सेटिंग से सेटल करवा देंगे। सेटल का मतलब परमानेंट सेट हो गए जी। वो इस बहाने से उनकी बातचीत पूरी हो गई, धीरे धीरे प्रोसेस के नाम से इनसे पैसा ले लिया। ये बातें मैं, कोई बयान नहीं है भाई देखिए, लेकिन जो बातें FIR में लिखी गई हैं वो बातें मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर रहा हूँ जी। धीरे धीरे दोनों से 10-10 लाख रुपए ले लिए गए, फिर उनको एक वीज़ा पकड़ा दिया गया दुबई का। जी भाई, आपको दुबई से होके आपको पुर्तगाल पहुँचना है। जी हाँ, फ्लाइट दे दी, बंदे पहुँच गए दुबई में, दिल्ली से फिर दुबई के लिए फ्लाइट दे दी, वो दुबई पहुँच गए बंदे। वहाँ पहुँचे तो उनको पता लगा कि यार आगे हमारा वीज़ा नहीं है, हो सकता है एयरपोर्ट पे उन्होंने पता लिया होगा तो उनको पता लगा कि हमारा कोई वीज़ा नहीं है। फिर वहाँ पे उनका बंदा था, वो उनको रिसीव करने के लिए आ गया, वहाँ उनसे पता लगा कि आप थोड़े दिन ठहरो, फिर हम आपको यहाँ से, अजी तुसी टेंशन क्यों लेते हो जी, हम आपको आराम से भेज देंगे, ये तो साढ़े बाएँ हाथ का खेल है, ऐसा करके उनको अपनी लैंग्वेज में समझा के थोड़े टाइम के लिए राजी कर लिया। फिर पता लगा घर वालों को, उन्होंने फ़ोन किया, बोला नहीं तो आगे कोई हमारा प्रोसेस हुआ है, नहीं हमारा कोई वीज़ा हुआ है, हमारे साथ चीटिंग हो गई। घर वालों ने फिर एजेंटों से संपर्क किया, तो वही बात, अजी अजी तुसी टेंशन ना लो जी, हम बैठे हैं ना, तो ऐसी बात करके फिर पता लगा दोनों लोगों को दुबई से वापस इंडिया आना पड़ा। जी हाँ, आगे प्रोसेस ही नहीं होना था भाई, तो आना ही था वापस, तो कोई रोक कैसे सकता है, बताइए आप मुझे। इंडिया आ गए, फिर उन्होंने पुलिस में पूरी स्टोरी बताई, पुलिस ने FIR दर्ज कर ली, जांच शुरू कर दी, बंदे आ गए इंडिया। अब उन्होंने 20 लाख रुपए FIR में लिखवाए हैं, कितने दिए कितने नहीं दिए वो तो वो जाने, लेकिन आप लोग क्या समझ सकते हैं इन ये जो स्टोरी बताई है, रियल स्टोरी, इससे आपको क्या समझ में आती है? इससे आपको वो समझ में आती है कि आप यूरोप देशों में जाने के चक्कर में थर्ड पार्टी की हाँ कर लेते हैं कि ठीक है जी, हमें मलेशिया के द्वारा भेज दो, हमें दुबई के द्वारा, कोई कतर के द्वारा जा रहा है, कोई मालदीव से, ऐसे होके लोग जा रहे हैं। ये ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, पैसे दे दोगे वो चले जाएंगे, ये तो होने वाला है, लेकिन सच्चाई इसमें नहीं है। दुबई में जो लोग बैठ के यूरोप जाने का सपना देख रहे हैं ना, उनके लिए भी खास तौर से नोटिस है ये कि दुबई में भी आजकल ये अच्छा खेला चल रहा है कि दुबई के लोगों को यूरोप जाने के नाम से लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं। कई लोग ऑफिस बंद करके भाग जाते हैं, कई लोग ट्रका देते हैं, मजदूर टाइप के लोग होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों से ध्यान में रखेंगे तो बच जाएंगे, वरना आपको ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। दूसरी मेन बात ये बताना बीच में भूल गया था, ये है ना, ये इसमें वो सब कुछ है जो आपको पुर्तगाल, कनाडा, सिंगापुर, दुबई, कतर, मस्कत, कहाँ जाना चाहते हैं सब कुछ मिलेगा इसमें। इसमें वो है जो भारत सरकार ने रजिस्टर्ड मोर लगा के एजेंटों को बिठाया है कि भाई आप काम करो, हम आपको लाइसेंस देते हैं, वो है सब कुछ। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, अगर ये लोग भी करते हैं ना तो इनके ऊपर भी डंडा पड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, ये जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं। भारत द्वारा मैन पावर रजिस्टर्ड ऑफिस, ये बुक मात्र 1,000 रुपये की है, लेकिन लोग 10 लाख खर्च कर देते हैं, लेकिन 1,000 रुपये खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि इसको पढ़ लेंगे ना
तो आपको जिंदगी में कोई ठग नहीं सकता, ये गारंटी मैं ले सकता हूँ। बाकी आपकी सोच और समझ पे डिपेंड करता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।